अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ओपिनियन अली काजी में बलिकार आवा यासर अहमद स्टूडियो में ज्वाइन कन तसलीन तजियाकार अली काजी साहब अली साहब थैंक यू यासर अली साहब खबरों वाले शुरू थी जैसे बुशरा बीबी साहब रिहा थी जैसे इमरान खान साहब की भेनरू जो रिहा थी तदें का खबरों हलन शुरू थी तो डील आ या नो डील आ गंडापुर साहब क्लेम भी कन था कुछ मानू बया भी क्लेम कन था पाया ख्वाजा आसिफ साहब इंट्रस्टिंगली चवन था पाया तो हि जी शन वक्त थे थी पी तो गंडापुर साहब जो वो धमकियों दई कर हलो तो वे बुशरा बीबी साहब रिहा थी वे उत उन वही सेफली पिशावर पोचण ची इन असा या तो नूरा कुश्ती या माफ़ी तलाफी जी का खबर थी अचे जी ख्वाजा आसिफ साहब के सियासी तजियो फरमायन बैकअप फॉलोअप पे पीपल्स पार्टी के गवर्नर के पी एन कुंडी साहब करीम अब्दुल फैसल करीम कुंडी साहब उन्हें भी तजियो फरमाया तो हि जो बुशरा बीबी आज़ाद थी जी उन भेणू इमरान जी आज़ाद थी पिशावर पोतियन गंडापुर माठ थी वो है तो माना इनमें हू सेंस कन पाया उन्होंने महसूस थे पो तो कोई डील थी वही है डील जी जो बुधाइन पाया तो माफ़ी तलाफी कई है पी टी आई या नूरा कुश्ती या पो ही हाँ नूरा कुश्ती थे पी अच्छा माफ़ी कंखा घुरी पी टी आई जाहिर हुकूमत का घुरे आ तो ख्वाजा आसिफ तन खबर हो खबर हो वो ये छो चे महसूस थे पे जी हुकूमत का फायदो घुरण जो तो मतलब ये इस्टैब्लिशमेंट का माफ़ी घुरी है पी टी आई बकौल ख्वाजा आसिफ आई करीम कुंडी साहब के जे अच्छा माफ़ी घुरी वरती इस्टैब्लिशमेंट वो चवन नूरा कुश्ती जी भी शक है ख्वाजा आसिफ साहब के ही नूरा कुश्ती थे पी तो नूरा कुश्ती कें विच में थे पी वो पी पी टी आई आई इस्टैब्लिशमेंट के विच में अच्छा नूरा कुश्ती जो जैसे इस्तलाह इस्तेमाल थे तो मुझे यकीन है ख्वाजा आसिफ साहब तमाम सोचे समझे यो लफ्ज इस्तलाह इस्तेमाल किया नूरा कुश्ती जो उनमें जैसे बई धुरी के धुरी अंदरूनी ठा जाहिर कर ठा थल हों जाहरी तरह कुश्ती कर रहा हूँ यानी विढ़ी रहा हूँ तो इन केस में ख्वाजा आसिफ या करी कुंडी साहब के चव मूजिब पी टी आई इस्टैब्लिशमेंट में नूरा कुश्ती थे पे माना इस्टैब्लिशमेंट ब राजी है yes. अचो नूरा कुश्ती क्यों दिखाने लाए तो नूरा कुश्ती वही जैसे नूरा कुश्ती जो इस तरह इस्तेमाल है तो उनमें यो अस खुद अज्यूम किया वो है तो के बे के बेवकूफ़ बनाने yes, yes. हाँ इतने कंखे बेवकूफ़ पे बनाए यानी yes. सरकार जी हाँ तो इस्टैब्लिशमेंट आई पी टी आई नूरा मुबैना तौर पर नूरा कुश्ती करे सरकारी धुरियन के बेवकूफ़ी बनाए जी हाँ सर मुख्य खबर ना ख्वाजा आसिफ फैसल करीम कुंडी चवन पाया जी हाँ पर जे ही एग्जैक्टली सर पो तो कम रुतर वो तो कम लही गया सरकार जा यो जो को है अगर पाण यो नैरेटिव ता हलन छकाण छकाण तो इन जो मतलब यो ते थियो चाहे माफी तलाफी थी अलिफ थे बे थियो ते थियो तो एस्टैब्लिशमेंट आई पीटीआई में ठा थी हुआ है बुझे नमूने आई ठा का पो हन चो यार अचो नूरा कुछ थी कयो था जे हनन के खबर न पए ते पान ठे लयो पान में ये अगर ये आहे आऊं वो तो पांजो ओपिनियन दिया ते ये आहे मुखे छा तो लगे लेकिन अगर ये आहे तो सरकार जी रड़ियूं यस फितरी हैं यस यस आई इन जो मतलब यो थियो तो ही ख्वाजा आसिफ आई फैसल करीम कुंडी के चयो वयो आहे तो तहां स्पॉइलर जो रोल प्ले कयो यस एग्जैक्टली जेका कल तहां भी शायद गाल पे कई तो को बीच में फिटारो भी तो विझे ना जी हां ये गाल खुल जे जी हां तो जे खराब थे जी या त पी टी आई पान निकली चे न असो ठान है असि हिं हूँ हूँ खबरदार धिमकान या इस्टैब्लिशमेंट वजाहत करे हाँ वजाहत अमूमन सघारी धुर के सामू हिणी धुर कंदी है yes. या जैके बे की परवाह होंगी yes. असि इस्टैब्लिशमेंट के नवाज सरकार शहबाज सरकार उनके कदी तो पर बहरहाल हि फिटारो आ हि विच में गाल फाण है तो अगर तो मुझे जाती ख्याल यो है तो डील तो अन्या थी आ या न थी आ पर पहले ही का मुझे ओपिनियन आए तो ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं यानी इस्टैब्लिशमेंट आई पीटीआई के विच में एकड़ी राह हमवार थे पई तो
कई गाल बेहतरी दे वन बुशरा बीबी की रिलीज संदस भेण की रिलीज जो माठ करण इन जो इस्लामाबाद चढ़ाइन का पासो करण अमीन गंडापुर जो ये सब मुख्य उन जिम में उन दिस में चार दिन का उ नजर अचे तो ही पर इन पैं जो मुकम्मल डील थी वे तो ख्वाजा आसिफ की गाल के फाड़ियो अंसाराबासी भी अड़ी का खबर एग्जैक्टली लेकिन उनसा शायद तशफी न थी एग्जैक्टली तशफी न थी अंसाराबासी की खबर था उनके भी जरा सरकारी भी फीड कई होंगी वरी का सोर्स तो केर भी थी सके तो ना सरकार भी थी सके थी अलफ भी थी सके तो बे भी थी सके तो मोर ऑर लेस तो गाली है तो ही पो तशफी न थी उन खबर से तो ख्वाजा आसिफ भी निकली आयो पो फैसल करीम कुंडी भी निकली आयो तो बाबा ठा थियो ठा थियो अच्छा भाई ठा थियो है तो बुराई चाहे तो और व्हाट्स सो बैड अबाउट इट अगर अगर एस्टैब्लिशमेंट तहां सा नवाज लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम हिनन सा हिन हुकूमती जोड़जक सा हिन या बाजवा के जमाने में एस्टैब्लिशमेंट इमरान मां हथकड़ी तहां सा ठा कयो तो छा बुराई छा मर्जी आ एस्टैब्लिशमेंट जी ये तहां हुकूमत वेठा हो अगर इमरान सा या पीटीआई सा का सीबीएम जो आउं नथो समझा अना डील थी अना तो जाहिर है यस हम नथो समझा अ मुकम्मल डील थी आ लेकिन सीबीएम्स अगर थियन पे तो बुराई छा है बी गाल में ही एक दिलचस्प पहलू आ वो पा सब समझू था वरी जिक्र क्यों था तो ख्वाजा से चे तो बुशरा बीबी की आज़ादी आई उनकी महफूज तरीके से पेशावर पोचण माँ खेस या खुशबू अचे थी तो ठा थी वो है माफ़ी तलाफी थी वही है नूरा कुश्ती है जो भी चे पो मन ख्वाजा आसिफ ही मुँह से मने पो तो न बुशरा बीबी के अंदर हुनन सरकार कयो न ही हुनजी आज़ादी के सरकार रोके सके थी माना ये को बो करे रहा यानी सरकार केतरी बेबस है तो संदस जेल में अडियाला सिविल जेल में केर वने केर निकरी अचे इनते हथवस ना है न सरकार जो लेकिन न बदलस गाल ये अगर ये आहे तो हुकूमती हल्कन में यो कुछ सुठी खबर तो ना है अच्छा पर एक सवाल है ख्वाजा आसिफ साहब इन ये गालियों कन था ठीक है अगर जो हुकूमत इन नैरेटिव के पकड़े हुए हैं तो भाई जी भी सीबीएम से जरा सब अना मुश्किल है डील तो अना परे की गाल खान साहब जो बाहर अचान ये सब कुछ अना बड़ा मसला है पर अगर जो सीबीएम्स भी थियन था गवर्नमेंट अगर उनके अड़े तरीके से वबा के दिल बुधाए तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सके थी तो वो एस्टैब्लिशमेंट के चिड़ाए या ताना तंजड़े एक्चुअली चाहे तो गाली है तो पॉलिटिकल फोर्सेस है जाहिर हु कुछ तो कंदियो ना जदे दिसंदियो संदस जको दिसो सोर्स ऑफ पावर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सा असांजी इक्तदारी सियासत में ताकत जो सरचश्मो एस्टैब्लिशमेंट आ जी आवाम ना है जी तो जेका भी धुर मिसाल इमरान खान हुकूमत में आयो 2018 जी चूंडन का पो आई इक्तदार में रहो तो पावर किथा ड्रॉ कर रहे हो पावर तो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट में ड्रॉ कर रहे हो जी एस्टैब्लिशमेंट पाँ प्लग कढ़ी छो पावर जो उनकी हुकूमत वेझी वही करंट अचान शुरू थी पीडीएम सरकार में ठही वरी हाँ बी ठही है तो जाहिर अगर कंखे ये महसूस थे तो जे खान के भी महसूस थो 2018 का पो तो बाजवा मतलब फैज़ हमीद के हटाए करे जो उतना डीजीआई की पोजिशन था खान के महसूस थी वो हो तो प्लग निकरे पे यस बाबा चवंदा होया इंटरव्यूज में भी चवंदा ठीक है बाद में उन्होंने चयो तो मैं बाजवा सा झेड़ो कयो मु बाजवा के चयो तो ताही ता कयो आई हां तो राज ना है तो प्राइम मिनिस्टर के दौरान भी खान जो को है आई बाजवा के दरमियान ये तलख तलखियो थियो यस यस बाजवा सा पाड़ सारे खान के समझ में आयो पे प्लग निकरे पे पर खान उनमल पब्लिक में न वयो वो खड़ी हो अमेरिका ने किसे के जी साइफर आप होते आप वो अमेरिका पे हटाए मुझे हुकूमत वो प्रोबेबली हनवल एस्टैब्लिश कब तक करे हो फिटाइन ना पे चाहे पर ईया से कम तक करे भाई खान साहब तो पब्लिक फेवर में हां पब्लिक लाइट ठीक है लेकिन गाली आए तो प्लग तो हिता निकल हो जी हां उनके पावर अमेरिका में आयो ही कौन आखिर में घूमी फिरी उते ही आया ना पूछे हूं सागो ही तो मैं तो गलत कह रहा था बाजा साहब यही मेरी ठीक है ना सो इतने भी जो तुम चो पे तो ख्वाजा आसिफ ये कि हिम्मत पे करे भला छा कन सियासत करनी अथन आई हु को एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टली तो कुछ ना पे चाहे पर
तशरी अगर एस्टैब्लिशमेंट वाला भी कंदा जी हां तो जने ता नूरा कुश्ती चो पया तो सिर्फ खान ते तनकीद थोड़ी पया करे एग्जैक्टली रिस्पॉन्स ना है जस्टिस जया अफरीदी जो एज अ चीफ जस्टिस गुजरन तो खबर पे पर पीटीआई जो चैलेंज कर रिजर्व सीट वे फैसले के भी कंटेम्प्ट इशूज ला चैलेंज कर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट इशू किया वे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वे फैसले के भी चैलेंज कर पीटीआई तो पाँच तरफा जी शे रोके वेठी हुई गाई साहब के हिसाब से वो तो पाँ वापस अचनता पाया पर गो गु अ वा सवाल बाकी छवी अमेंडमेंट का जैमें एकड़ो तो वो वार अची वो तो जजेस की तादाद भी बुधाणी है जी इलाही सारी गालियों तो हाँ गाल ये तो हू जका काजी फाइज साहब जे करे रोके वेठा चीफ जस्टिस फाइज ईसा जे करे तो भाई वने तो जाहिर उनमें एक वही गाल तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ यस तो सुप्रीम कोर्ट एक क्लियर इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन के दिनल है उनका इलेक्शन कमीशन एकड़ी वजाहत घुरी अठ जज साहिबान उनकी वजाहत कई वरी भी वजाहत बो दफो सुप्रीम कोर्ट वजाहत कई तो माना हाँ अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो न पी मने तो सौ सीधो तोहीन अदालत करे पी ना वो तो फाइज ईसा साहब भले पांजे फैसले में लिखी वो इंडिविजुअल फैसले में ते हिन फैसले ते अमल दरामद करण जरूरी ना है पर फाइज ईसा के चवण से तो कुछ न थो थे सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो आ भले पार्लियामेंट जो है वो एक पास कानून सही लेकिन वो बाद में कही स्पीकर साहब तो कल ॾिसूं ॻाल्हि किथे सुप्रीम कोर्ट केतिरे लेवल ताईं वञे थी मामिलो खे पर फ़िलहालु तव्हां ॾिसो त तव्हां चयो त जस्टिस जया अफरीदी जो जेको कॉन्डक्ट हींअर ताईं नज़र अचे पियो जेको हुन जीअं कयो आहे त फुल कोर्ट घुराई अथसि उनमें जेके जस्टिस मंसूर अली शाह साहिबु हिते न आहिनि मुल्क में त उन्हनि खे वीडियो कॉल ते वरितो अथनि ऐं जेका जस्टिस मंसूर ई जेका मशवरो ॾिनो त केसिस जो उकला कीअं कजे उहो एक्सेप्ट कयो वो फॉर्मुलो एक्सेप्ट थियो आहे एलामिया में नाला लिखियो आहे एलामिया जेको प्रेस रिलीज़ जारी थी आहे उनमें सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार पारां उनमें नालो बि ज़ाहिर थियल आहे त हीउ जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब जो फॉर्मूले ते इतफ़ाक़ थियो आहे सो दैट मीन्स के 17 जजनि खे डॉक्टर चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहिब जेको आहे गॾु खणी हलणु चाहे थो ही इज़ गिविंग अ क्लियर मैसेज के हू कंसा भी धुर ना है हू पांजी जे जुडिशरी ब्रांच जुडिशरी जो हू चीफ आहे हू पांजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटैक्ट रखण चाहे तो जी हां सबनी के गद खणी हलण चाहे तो हू धुर ना है सो आउं समझा तो ही एक मैसेज त वडो आ ऐं जेको हुन प्रोसीजर एक्ट में जे बावजूद हुन मंसूर अली शाह साहब के जस्टिस मुनीब अख्तर के खयो आ पांजी बेंच कमेटी में तो मतलब वो फिलहाल जैसे ये अफरीदी साहब जो एक्ट हैं फिलहाल जो थन पो तो हुकूमती ख्वाहिशन उम्मीदन जो है वो पानी पे फेरे मतलब फिलहाल तो मायूस थींदा हूँ लेकिन गाल यह है जाहिर अना घो कुछ थे बाकी है पीटीआई वाल अगर ऐसो कि हाँ तोहीन अदालत जो मामलो कड़ी बेंच दे वे तो दरख्वास्त है केतरो जल्दी लगे थी कड़ी बेंच दे रेफर एग्जैक्टली ये शूँ जरूरी ये तोहीन अदालत रिजर्व सीटन से पीटीआई जो पीटीआई बो भी शायद उन ट्रिब्यूनल के भी चैलेंज किया फाइज ईसा साहब दे भले इलेक्शन कमीशन कर वे वो नजरसानी दरख्वास्त हाँ ये सब अहम ये सब वो केसिस हुआ जैसे लिए पीटीआई मुंतजर हुई तो फाइज ईसा वे ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह अगरि चीफ जस्टिस थे आहे त हीअ तकड़ि में हू पहुचनि हा पर लॻे थो पी टी आई वारनि खे उमेदूं काफ़ी आहिनि जस्टिस जया अफरीदी साहिब जी हिन हुनमें बि त वरी पहुता आहिनि बाक़ी जेका ही ॻाल्हि थिए पई त हाणे अॼु त बिल आणिजे हिन लाइ ॿ भाङे टे जी अक्सरियत जी ज़रूरत न आहे को आईन जी तरमीम न आहे हीअ सादी अक्सरियत सां सरकार पास कराए वठंदी त सुप्रीम कोर्ट जा जजिस 17 मां 26 कजे टेवीह छह जज वधाए छॾा ठीकु ॻाल्हि आहे अगरि छाकाणि त उहे त जेका कॉस्ट अचे थी मुंहिंजे ख़्याल 50 लख रुपया पर जज ईंदी हिननि खे पर मंथ त माना ही 3 करोड़ रुपया ठीकु आहे मुल्क जी सुप्रीम कोर्ट आहे लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त हीअ 6 जज किथां ईंदा ज़ाहिर हाई कोर्ट्स मां ईंदा हाई कोर्ट्स में ख़ुदि जजनि जी खोट आहे यस 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 ऐं तव्हां वटि 5 हाई कोर्ट्स आहिनि
चार सूबन जो पंजी इस्लामाबाद पंजी इस्लामाबाद स्टार कॉलर कॉलर वठे अच्छा मतलब गुलाम सरवर सुमरो शिकारपुर में जी सुमर साहब चाटन चाहिंदा आ यासिर साहब ए साईं अली खादी साहब के सलाम वालेकुम सलाम आ टोनी एक वक्त छोकरा जी में जो कद बस में दी पण वड़ी पयो जी अफसोस असं जो एनालाइज क्यों नंबर वाक्य तो नंबड़ो पर जी नफ्सियात के एनालाइज कई तो उनकी रिसर्च कई से आखिर में जो झगड़ो थो तो माई जहा कें ढे कमरे की घरवारी हुई उन कोलो है बी माई के तो घरवार ताकतवर है तुम अगर कुछ भी ना तो जैसे असो दिठो से अज तीन दिसो तो राना लियाकत अली खान का वही वे कें भी घरवारी पे मुड़स न चाहे मुड़स करप्ट तो मैं उन तलाक वा या उनहदगी इख्तियार क्या यानी असि 77 साल तारीख है असर घरवारियों हर करप्शन में मुड़स साथ दियन थी चाहे वो 10% घरवारी हुए भाजपा की हुए या कभी फायदे से घरवारी हुए तो क्यों उनके डिफेंड कन थी वरी वो करप्शन अस रीजन है वो यो है घरेलू जो प्रेशर्स औलाद ज या घरवार करप्शन के अना थी दियन थी असा दिसो जो असा कामोरान जावेद जसकानी का वी नमजद शेख ते मतलब कदें भी का अड़ी मुजामत न आई है घर दादा तुम करप्शन कई है वी करोड़ खाई वो 50 करोड़ तक खाई वो तो हाँ अस तलाक जो करप्शन करप्ट न था रही सकूँ तो कादिर साहब ने थोड़ी जैसे रोशनी विजे तो आखिर अस नफ्सियात या करप्शन वाली जी माई पढ़ल लिखल होजन या जाहिल होजन पर करप्शन के जो हथी दियण में बिन्हीं जो किरदार है कदें भी कें जाहिल माई या पढ़ल लिखल माई चाहे वो खड़ी ऑक्सफोर्ड का रिटर्न होजन उन्होंने पांजे एक करप्ट मुड़सन के जो तलाक न वती आ दादा ही करप्ट आए ठीक साईं अच्छू ता साईं जी गाल ते पहिरी हु गाल पूरी करे वठू त हाणे अगर 6 जज सुप्रीम कोर्ट जा ब्या थियणा आहिनि त माना 6 हाई कोर्ट जा जजेस जे कहन ऐं ज़ाहिर जेके सीनियर मोस्ट हूंदा हाई कोर्ट्स में प्रोबेबली द चीफ जस्टिसिस ऑफ 5 हाई कोर्ट्स वो मथे एलिवेट थी वेंदा अगर न कन उहा मर्जी अथनि मर्जी अथनि छो जो लेकिन जेको अगर सीनियॉरिटी जे हाँ। उनसां हलजे त हाणे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मां अगरि फारूकी साहब मथे हलियो वियो त हेठि जज में त उहो बि 6 मां हिकिड़ो बि आहे जेको जंहिंखे सो बहर सिचुएशन त पर हाई कोर्ट में तादाद त पूरी कयो न अॻु में हाई कोर्ट में बि जजिस घटि आहिनि आउं सम्झां थो सुमरो साहब घर वारियूं मुंहिंजी बि आहिनि तव्हांजी बि आहिनि यासिर साहब जूं आहिनि सभिनी आहे सभु मोहतरमाऊं आहिनि ॻाल्हि इहा आहे त इहा तव्हां सिर्फ़ु पाकिस्तान जा मिसाल ऐं नाला खणो पिया ऐं त नाला खणण जे हक़ में न आहियां पर भला बिल क्लिंटन जी जॾहिं मोनिका लेविंस्की वारो हेॾो सारो स्कैंडल थियो वाइट हाउस प्रेसिडेंट हो यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रेसिडेंट हूंदो ऐं ज़रे घटि इम्पीच थियो पियो यस उन हिलरी क्लिंटन छो न डिवोर्स वरिती अॼु ताईं न वरिती अॼु ताईं न वरिती छाकाणि त हुनखे पाण बि मुड़ुसो ऐं नथो चवां जो मुफ़ाद हो हिलरी जो त हुनखे सुभाणे प्रेसिडेंट थियणो आहे पर सो अहिड़ा दुनिया में त भला को हिकु ॿ नालो ॿुधायो त स्पाउस हाणे स्पाउस घरवारी आहे या घरवारो आहे मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी हिननि जे मुड़ुसनि छा कुझु कयो छा हिननि छा इंदिरा गांधी छा इमरजेंसी लॻाए जेको ज़ुल्म कयो इंडिया में मार्गरेट थैचर बि हिकिड़ी आयरन लेडी सॾु बि आहे हुन छा करप्शन को हिकिड़ी नौयत हिकिड़ी तरीक़े जी त न थींदी आहे पोइ सिर्फ़ु कामोरा छो सिर्फ़ु सियासतदान छो सिर्फ़ु जज साहिबान छो इहो त नॉर्मल इंसान ते बि अप्लाई थिए थो नॉर्मल इंसान असां हीअ जेके हीअ जेके मतिलबु मुख़्तलिफ़ माण्हू हरकतूं करे रहिया हूंदा आहिनि हिकिड़ो घोसलो उस्तादु आहे हुनजी घरवारी चए बाबा पघार आराम जी कई थो त इहे त को लॉजिक इहो मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ न आई लेकिन अगरि तव्हां पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जी ॻाल्हि था कयो हलो प्राइवेट माण्हू जी ज़िंदगी पंहिंजी आहे पब्लिक ऑफिस होल्डर खे चओ था मूंखे तव्हां ॿुधायो सुमरो साहब त हुननि खे वोटर पुछनि था तव्हां करप्ट आहियो त असीं तव्हांखे वोट न ॾींदासीं हीअ त तव्हां कंहिंखे चओ पिया त हू पंहिंजो अज़दवाजी रिश्तो टोड़े छॾे हुनजी ॿारनि जी माउ हूंदी हुनजो पीउ हूंदो जेको बि मुड़ुसु ज़ाल जंहिंखे बि तव्हां चओ था त अलहदगी इख़्तियार करे वठे करप्शन जे चार्ज ते वोटर पुछनि था सुमरो साहब आऊं तव्हां पुछूं था असांजो नालो सुमरो जी गुलाम सरवर सुमरो गुलाम सरवर सुमरो साहब पोइ तव्हां शिकारपुर में फ़ोन कयो साईं शिकारपुर वोट ॾियण महिल सोचियो था हीअ करप्ट आहे या न आहे ऐं तवका कयो था घरवारियुनि खां या मुड़ुसनि खां आउं त ॿई चवां थो इहो छो मतिलबु इहे किथे कहिड़ी उमेदु आहे इहे तवकात कहिड़ी अजीब आहिनि
तो जो सिर्फ तक जो मानू है जो को अजदवाजी रिश्तों ना है जो वोट न दी तो को आसमान को किरी पव उहो वोट दियण मेल सोचे ही न तो करप्शन केतरी करप्शन कई है न कई है बाकी जो उनको स्पाउस है जो मुड़स है जाल है जो तलाक थी सेपरेशन थी रेजिस्टेंस घर जो माहौल फिटन तो उनकी तो जिंदगी ईस्टर्न माहौल में ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो जिंदगी तब्दील थी वी तुम में ये उम्मीद कर बाकी वोटर में ये उम्मीद ना कर तो हू पुछे तो बाबा ही या ही जो नारायण के रैलीज ए जुलूसन में पोया हलदा हैं कि नारोहणी पुछे साई घड़ा कमाया अई मुख्य साई या अगर ब्यूरोक्रेसी की भी गाल कयो था वरी तां स्पाउस तो छो था वो उनको जो जूनियर है एक डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर है डिप्टी डायरेक्टर खबर ना है डायरेक्टर रिश्वत पे वे ऑर्डर रिफ्यूज कद उन डीएसपी खबर ना है एसएसपी के करप्ट है या इवन अदरवाइज अगर को एसएसपी नथो वठे करप्शन तो उन्हें खबर होंगी तो मुझे डीएसपी मुझे एसएसपी करप्ट है मुझे डीआईजी करप्ट हाँ हाँ खबर होंगी अगर के नथो वठे तो उन्हें हेठ मथे की बिनी खबर होंगी बिनी की खबर होंगी वो सिस्टम में रहंदो आ ना यस तो ये कड़ी ता थोड़ी फरमाइश अजीब पे कर अब ये गाल ना जदे असा वट आउट ऑफ द बॉक्स गाली सोचन ते अची दा ने पर बेसिक जे का है हुआ बेसिक ने पुछंदा सी इग्नोर्ड आ तो यार वोटर वोट छो छो रिश्वत असावड रिश्वत करप्शन जेंगे ता चो था वो को असान जी पॉलिटिकल एजेंडा ते जने मानन वट ना है ना सफा भी ना है घर वाले ने छो जे सफा भी ना है रंदो ने आप छा चे जे बस परेशान थी विंदा जने बाकी वो जे को झेड़ो जे को मुबत पढ़ियो त एकड़ो शायद अगूणो कामोरो हो को एकड़ो हाजिर कामोरो एकड़ो को रिटायर्ड रेस्टोरेंट वाला आर्मी ऑफिसर हो उन जो हां शायद कुछ दे फैमिली जुड़ी हुई है शायद ना ब फैमिली जी बड़ी हुई हां ब बड़ी वो किथे पढ़ियो देखो बियो बो टियो बो पुने नालो शायद मीडिया उसी के मामले दे बड़िया बस ब फैमिली पावर हजम नथो यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही अखबारन में मीडिया में इनकरे ही वाक्यो आयो है छकण दे ही वडन कामोरन जा फैमिलीज हुई यस न तो रोज पे बेवकूफी ते झड़ो थिंदो रोज थिंदो के न के जाय दे गाडी थोड़ी ही थी ने हां हुल वला ठोशेबाजी वरो जको आ मलाकड़ा वरा जको आ तू छा थी ने तू विकणी छा तो पावर हजम नथो थे आई फ्रस्ट्रेशन इतरी है समाज में फ्रस्ट्रेशन इतरी है जो किथे जी कावड़ किथे कढ़न था जी हाँ जी हाँ ऐसे इन अचूँ था पा जरा इन तो पूरा हल तो पो उन अचान का पे नी सुप्रीम कोर्ट के हवा से सवाल गाल हल पी तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ जजेस बता अच्छा पीटीआई एग्री थी करे पीपल्स पार्टी के तरफा यह गाल छो थी अचे तो थोड़ो ठाकुर से हलो मुख्य खबर ना है ये पढ़ी ठी टीवी से यह खबर आई डोंट नो कड़े तनाजुर में पीपल्स पार्टी है तो कानून साजी में तकड़ न कर 17 जजन के 26 करणो आ 23 करणो आ तो ये तो पुरानी गाल है हिंते देखो मुझे खान ना पीटीआई के इतराज हुंदो ना अलिफ के हुंदो ना बार के हुंदो ना बे के ना ते के हुंदो जितनी जुडिशरी वधिक हुंदी हो तो तकड़ो कम थिंदो अच्छा अजीब गाल खबर ना पीपल्स पार्टी अच्छा तहफुजात है अच्छा पाजी गाल है भई ने तो अफरा तफरी होने ते तो टेररिज्म जाहिर है एक बड़ो किनो मेनेस लगो पे पाकिस्तान में डेली काथे ना काथे टेररिज्म जो एक्टिविटी आ अडी भी थी डी आई खान टाक इन तरफ पर एक वाक्य थो जो चवन था तो अजीब मतलब चाहिए तो थ्रेटनिंग एक पीएमए जो कैडेट हो डी आई खान लकी मरो पीएमए जो कैडेट हो अ नव नव इंडोर्स थो मस्जिद में नमाज पढ़ी निकतो तो उनके मारे वह दहशतगर्द तो हाँ अगर अड़ी टारगेट क्लिक शुरू थी थे इंडिविजुअली सर इन ब पासा ऐसो तटो अफगानिस्तान में जो कुछ थे पो त हाँ उन इंडिया है उनके पोया उनके पोया अलिफ है उनके चक्कर टी टी पी हुए ये सब हुजन जादी या इंतहा पसंद ये तो ठीक है जाहिरी नाल है पर इनके पोया टी टी ए जेका है अगवान तालिबान वो उन्होंने हथ विझण ला तैयार ना है सफा बिना या हथ विझण का कासिर है बई गाल हाँ उत इन्फ्लुएंस पा सोचूँ तो काबुल से कहो कहो उन इन्फ्लुएंस इंडिया चाइना आई रशिया चाहे रशिया तो हाँ उनके जरेगढ़ कबूले वरतो जरेगढ़ कबूले वरतो मतलब उनकी एम्बेसी खोले डनी थन अच्छा ये कुछ थियो जी हां उनन के पाण वट घुराया तो लेक्चर वेक्चर दियाया तो पाण मानन के पाने मिनिस्टर के सो काबुल के हीटे फोर्सेस जाहिरी तरह सऊदी जो भी कुछ ना कुछ हुंदो बेन जो भी हुंदो आ उनमा चाइना असा दोस्त
हिमालिया का मथे चोटी जो असो दोस्त जी हाँ रशिया से अस दोस्ती वायूं पा जी हाँ बाकायदा गाल बायदा बायदा तो भाई डिफेंस टाइज भी कजन तेल इतने इन्वेस्टमेंट भी रशिया करे हे भी करे हो भी करे ठीक है टी रहे वे तो इंडिया हूँ तो सारे मुखालिफ मोहसिन बिलार रानीपुर में जी बिलार साहब चाचो चाहिंदा या सर साईं तांगे सलाम काज साहब सलाम वालेकुम सलाम साईं काज साहब अर्ज यो त 17 साल थिया ने पीपी हुकूमत सिंध में करे थी भाई जी साईं सिंधी कौम के या सिंधी आवाम के फायदो को कोने 3-400 500 जो टोलो आ जको मना 17 सालन में खरबपति थियो आ जके मना हजार वारन भी खरबपति थिया जी जको नुकसान थियो वो अस आम मानू के थियो इन जरा तबाह कर छी 17 साल में कणक को लती कें कान हिंसर अस साल जो दर से विजूँ था को वन तैयार ना हाँ नई कणक पोख भी नवंबर में ये भी 16,000 बोरी थी मिले वो महंगो कम से सीजन आ सही पे अक्टूबर से शुगर मिल हलणू ने इन मिल ती का गाल ना वो पासमा जो इन चवण से अची को इन थ्रू गाल सही ठीक है साईं बेबी कॉलर नसीब बुगियो मोरोमा जी बुगियो साहब क्या चाहो चाहिंदा सलाम अलैकुम क्या हाल है खुशे हो खैर ठीक ठाक साईं हेलो जी साईं जी साईं आवाज अचे तो तवा जो अचे बे भाई जी जी अचे पियो हां साईं अर्ज यो आ त यार ख्वाजा आसिफ या असा जो फैसल करीम कुंडी साहब तब्दील जो थोरो इशारो दिनो हाँ ये तो आम मानू समझे तो कौमी असेंबली मुर्गो ही पंज मू वेठा हुआ असेंबली में न तो थोड़े घड़े से कड़ो गोड़ कटा होंगी तो यह डील ना है तो कबीबे जो छुटन अलीमा जो छुटन सब कुछ थे ये डील ना है तो है जी 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 ठीक सही ठीक ओके तो वो गाल पे मुकम्मल कर टेररिज्म की जिक्र स्टार्ट कर क्वेश्चन यो है हाँ रशिया चाइना एतरो इन्फ्लुएंस दबाव विझी सकन था काबुल ते तो हू टीटीपी बिया जे सेफ हेवन्स दहशतगर्दी उतना इतने अचे भी पाकिस्तान को रोके सकन यो को मिलियन डॉलर जो सवाल है रशिया से असा तालुकात वधायूं पिया रशिया भी इंट्रस्टेड है दिसूं छा थो थे पर ब्रिक्स में असा के न अचन दिनो चाइना ए रशिया गजी भी कोशिश करे वरती इंडिया न चढ़ दिनों तो असि ना आया फिलहाल तो ना आयो और खुदा खबर खुदा खबर अजा ऑफिशियली तो कौन सरकारी तरह पधराई न थी आ पर जो खबरू अचन थी तो कौन थी बो मसलो है तहां जो ओवर पीरियड दहाकन का जो बलूचिस्तान केपी डे जो पॉलिसीज इंटरनल पॉलिसीज रखी वो एडी गलत साबित थन पही मुतवका हुई yeah. तो मानू जन सरकार सरकारी रिट के हाँ उनसा एक लफ्ज और नो इस्तेमाल कर हाँ न पाया के तस्लीम कर yes. मौलाना साहब चवन था मन मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान चवन था चवन था बई मसाइल बदकिस्मती से असा वट जो हाउस इन ऑर्डर की गाल जमानो करे तो पान भी क्यों था उनके जो असानी हुकुमरान लडो है गाल नो जोड़ो चे न ही तो अस इतने दहशतगर्द ही मुल्क दुश्मन हिन्न मारबो खत्म कर तबाह कर हाँ तुम कोशिश तो दहाकन का कयो था बम्बार्टमेंट करे हे करे हो गाल ये तो उनके एक दफो पॉलिटिकल जो सोल्यूशन निकरण खपे yes. बलूचिस्तान जो भी केपी जो yes. डंडे जो सोल्यूशन न निकतो आहे मुखे न तो लगे तो निकरंदो पर बहरहाल टेररिज्म के जस्टिफाई न तो कर सकजे हाँ वो एक शहीद करे वजन था असा वही पंजा उन्होंने मारे अचन था हाँ पंजा जो मारे था अचन उन में पंज जो वो बेगुनाह हुजन था ये तो थी तो चब सुखे सावा भी सड़न था तो वो तो नेचुरल है ये तो इंसर्जेंसीज जो प्रॉब्लम हो जाए तो ब्रीडिंग थे थी बाहर सपोर्ट अचे थी सो हाउस इन ऑर्डर आने का सवा मुश्किल है तो पब्लिक के अगर तुम इतमाद में ओनरशिप न पाया दियो तुम चो तो चुप कर असी तक इस्लामाबाद में बुधाइंदी तुम करण न करण है तो बनू जो मानू हो
जो है वो कोहलू जो मानू हो जे या मस्तोंग जो मस्तोंग जो चमन जो चमन जो नथा मनन न मतलब कोशिश करे दिसि तो हाँ थोड़ो चेंज ऑफ पॉलिसी अचन खपे चेंज ऑफ पॉलिसी ला जरूरी है चेंज ऑफ हार्ट थन खपे तो पांजो ही समझो पांजन वांगु मुझे ख्याल डील करन खपे हाँ मोहसिन बेलार साहब जो तो 17 साल का पीपल्स पार्टी है तो कोई ये के नोटिफिकेशन जरिए कौन वेठी है सिंध जहाँ मानू चुन रहा था तुम चो सिंध मानू के दिनों है ये तुम सिंध मान जैमें तुम भी शामिल आयो सब शामिल आयो वो उनका पुछन खपे यार वोट दियो था ना एक DCSP तो कौन लगल जो 17 साल का ट्रांसफर ना थे सिंध मानू वोट दे तो जरूर खुश हों न तहां खुश न हो या केर ना है या आए मानू वोट देन पिया हाँ ये अलग बहस है असा इलेक्शन फेयर थे थी नी थे ये इलेक्शन सो लेकिन दिस दिसो जरात दे रवैयो 17 साल अग भी अड़ो ही हो वो ठीक है तो हर शे वांगुर हिन में भी बदतरीज बिगाड़ आयो है बारदाने इन जो सजो ड्रामो जो है ये 17 साल अग न हो मुख्य याद है सादिक अली मरहूम जो दौर भी याद है कि MPS के विराए दिना वा है सजा किस्सा लेकिन ही जो कई बुराइयों से गुड जरात में ही जो ब्लैक मार्केटिंग जखीरा अंदोजी इनकी KP यूरिया जी है खौफनाक है शुगर मिल्स पेरी भी ढी बुर्सी कदी हुई हाँ थोड़ा जरा ताकत में आन जाहिर पेरी भी मुख्य याद न तो पे तो ये जमाने का ही झोड़ो थी तो पेरी अक्टूबर का खोली वे शुगर मिल चिमड़ी न थी बरन ये थोड़ी सग में शुगर मिल जाहिर पॉलिटिकल पेनिट्रेशन करे फंडिंग के ये सब प्रॉब्लम्स से इनकार न तो क्या पर अवाम ही रिएक्शन करे सके थी भी तो कोई रिएक्शन सो वो लेट्स होप कि गवर्नमेंट इनके रेक्टिफाई कर दी ठीक करने की कोशिश कर दी बो उम्मीद ही करे सकूं था पा छा करे सकूं साईं बुग्यो साहब बुग्यो साहब नसीर बुग्यो साहब साईं भी चवन पिया डील थी वही साईं चवन था डील ना है तो बियो चाहे बाकी ना ना डील है हां सो मुखे डील आ तो बस मगाली कदर थी ही ना वो ता के लतीफो लतीफो चाहे किसो अलग बुधायो ने बुधाय मोहतरमा शहीद साहब संदेश शहादत का 17-18 नहीं पेरी बिलावल हाउस में उन 6-7 जैसे इमरजेंसी लगाई 3 नवंबर से मुशरफ इमरजेंसी लगाई असा के 4 या 5 नवंबर से बीबी बिलावल हाउस में सड़ो 6-7 मानू जो मतलब साफी एंकर्स हुआ से तो हाँ ऑफ द रिकॉर्ड कचेरी हुई इन करे कोर्ट उन ही हेतो हिस्सों क्या पे बीबी शहीद थी अड़ी को खास गाल इनके दिलचस्प पहलू एक बुधाया पे तो बीबी चवन लगी तो ये हम पर देखे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमारे हमने कोई NRO लिया है हमने कोई डील की है मुशरफ से ये किया है वो किया तो बीबी वजाहत दे पी तो ये न थियल तो सबको गाल पे तो मुँह आखिर बीबी के मुझे मतलब आप क्यों तरदीद कर रही हैं जी जी क्या मतलब ऐसा है नहीं तो मैं तरदीद क्यों नहीं करूँ मैंने नहीं इससे तो आपको फ़ायदा होगा इलेक्शन से जी तो नहीं करे तो या एक मानू ना ये थोड़ा समझाता हूँ को क्या मतलब है आपका मुझे बीवी जितना ये नीचे मैसेज जाएगा कि आपकी डील हुई हुई है तो उतना ये नीचे जो वोटर देने वाले हैं असा वो वो लडो है जो हवा जो रुख दिसे तो मुझे उन वो मैसेज भी अचे पी हुकूमत में ठही वही तो मुझे तरदीद छो था तो खिलड़ लगी कुछ तबसरो न कई गाल यह है तो जैसे तुम चो था तो PTI की इस्टैब्लिशमेंट से डील थी वही तो सर इनमें PTI के किथे नुकसान तो थे जेके खान जा चाहिंदड़ या सपोर्टर या वोटर हैं वो खान ऊंधो थी सीधो थी वे कुछ भी करें फिलहाल तो खान साहब अधल है yes. बल्कि उनको उत्साह उहे मानू जेके ये कुंड में वेही अञा ॾिसी रहिया आहिनि उहे ॿाहिरि निकिरी त खान ॾे वञू न वञू जी हा उहे मोछड़नि जी हुन ज़ीपट में अची वञूं जी हा हू बि चवंदा वाह वाह ठा थी वियो हलो खान ॾे त बुगियो साहिब शायदि बुगियो साहिब जो थोरो लाड़ो पीपल्स पार्टी हुकूमत ॾे आहे त इहो त परेशान थियणु खपे हुकूमती धुरियुनि खे त ही इहो तासुर अगरि इहा ॻाल्हि ठीकु बि आहे त हिनखे अंडर प्ले करणु खपे जेतिरा इहा ॻाल्हि खे तव्हां हवा ॾींदो
तो ठा थियो उतरो फायदो है पीटीआई के, नुकसान तो कोई कोई पर सब चा कन अगर जे मिसाल इनके एड़े तरीके से पोट्रे न कन और नून लीग अगर इनके डाउन प्ले करे तो पो भी फर्क छा पवंदो अगर बस यो दिसो ना सुभाणे लाए एकड़ो नैरेटिव ठाणो थन त हाण असी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट कदे के वक्त में अची थणो पजी वने त हियर का असी पांजो यो बयानियो ठायो ठू भले करे ठो वक्ती तौर से नुकसान आ सवाल से मैं अच्छा चाहिए तो इन वक्त अमेंडमेंट की सक्सेस आ जैमें खान साहब पे थो या अमेंडमेंट जो को तालुकी ना है इंटरनेशनली का अड़ी शूं थियणी जैमें खान साहब ने फेवर थी थो जो ये सिचुएशन अची इतने पौती हाँ ऐसो अमेंडमेंट से खान के अगर जैसे यया अफरीदी अची वह जी हिंस ताई उन नजर अचन पे मामला तो खान के नुकसान तो नहीं कोई भी नुकसान न थो इंटरनेशनल मामला भी हैं लोकल भी हैं खुद लचक भी अगर खान दिखारी हों जो ये हलन थी तो अमीन गंडा पो बेसिकली गो बिटवीन या पुल जो किरदार अदा किया तो ये गाल इतनी गलत नहीं लगी जहर हर कोई चवे पे पान मने तो आने तालीम गंडापुर साहब तो मुझे तालुकात रहा है जहर एस्टेब्लिशमेंट जहर चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है एक्सेस थी ना सरकारी तरह भी थींदो एस्टेब्लिशमेंट सा यस यस तो रोल वही प्ले करे पे इनके भले होने सजो नजलो खुद पीटीआई के अंदर भी थे पे तो चंदा हाँ ये तो फेवरेट थे पे पर बेसिकली रोल तो वही प्ले करे पे बुशरा बीवी साहब के लीड कंदे नजर अचे तो मुख्य नो लगे बुशरा जो स्टाइल है जी कैरी मोहतरमा पान पाने कन थी वो पब्लिक लीडर ला मुमकिन ना है यस 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 मतलब मोहतरमा जो स्टाइल है पर्सनली कैरी कन थी पान के वो एक पब्लिक लीडर के तो से मानन में हिते yes. होते वो किए तो कह सके जी ठीक है साहब बड़ी मेहरबानी साहब नाज़रीन आज प्रोग्राम जो पूरा थे वरी मजा आई प्रोग्राम में धन्यवाद।